ओके हेलो चो, सो हम लोग काइनेमेटिक्स असाइनमेंट टू का सॉल्यूशन देखते हैं। जो काइनेमेटिक्स में असाइनमेंट टू हम लोगों को मिला था, बेसिकली ये असाइनमेंट ग्राफ पे था बेसिकली, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, बॉडी है कोई जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। दो स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन इज इंक्रीजिंग। एंड स्टेटमेंट टू क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव फॉर ऑल सोन वैल्यू ऑफ टी। तो हम लोगों को चार ऑप्शन दिए, उसमें आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन। बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। एंड सी स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। एंड लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। देखते इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अगर हम लोग यहाँ से ध्यान से देखें, बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, मान लेते हैं पॉइंट ए से बॉडी स्टार्ट कर रही है, मूव करना मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन बॉडी जो है पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट कर रही है, तो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे। तो ध्यान से देखें, टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी है, यानी कि टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो नहीं है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली घट रही है। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो पार्टिकल मान लेते हैं ए से बी तक मूव किया, यहां तक ग्राफ दिया हुआ, मान लेते हैं ये टाइम टी वन। तो यहां से टी इज इक्वल टू जीरो से टी इज इक्वल टू टी वन तक मान लेते हैं पार्टिकल मूव किया स्ट्रेट लाइन बात करें, ऐसे यहां से लेकर यहां तक। ए पे जस्ट इमेजिन वेलोसिटी कितना है, वी, और बी पे कितना होगा, यहां से कम होगा, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं है, ना ही यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है। यहाँ से चलना स्टार्ट करता है पार्टिकल, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है विद सम इनिशियल वेलोसिटी वी, और उसका वेलोसिटी ग्राफ के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। तो अभी ध्यान से देखें, अगर हम लोग बात करें, पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है, जब इधर की तरफ जा रहा है तो डिस्टेंस तो मूव बढ़ रहा है, और हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि फॉर एनी मूविंग बॉडी, अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। तो स्टेटमेंट वन करेक्ट हो गया हमारा, यानी कि इस डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन इज इंक्रीजिंग। यहां से इनिशियल पोजीशन बी तक मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है वेलोसिटी इज पॉजिटिव फॉर ऑल सोन वैल्यू ऑफ टी। तो ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं, ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव y एक्सिस पे है, तो वेलोसिटी तो ऐसे ही पॉजिटिव दिख रहा है, कि यहां से स्टार्ट कर रहा है, इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, तो अब तो भी यहां तक वेलोसिटी क्या है, जहां तक ग्राफ हमको दिखाएगा वो पॉजिटिव है, यानी कि स्टेटमेंट टू भी हमारा करेक्ट है। ओके, अब ध्यान से देखें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ए से बी तक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, तो हम लोग जब ए और बी को ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इक्वल। तो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है, स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है, एंड स्टेटमेंट वन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट टू। ओके, एनी डाउट, सो आप क्वेश्चन नंबर टू पे जंप करते हैं। ओके, सो आप क्वेश्चन नंबर टू डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, देखें, अ ग्राफ गिवन इन फिगर shows the variation of velocity and time of two bodies A and B. Choose an alternative for their average velocities. ये graph दिया हुआ velocity versus time का दो particle का, particle A का graph ये ऊपर वाला है and particle B का ये graph नीचे वाला है। चार option दिए गए हैं, चारों option में से हमको correct option choose करना है। तो ध्यान से देखें, t is equal to zero पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो a और b दोनों का वेलोसिटी सेम है। t is equal to 10 सेकंड पे देखें तो a और b दोनों का वेलोसिटी क्या है, सेम है। ओके, अब देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला क्या कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी या बोथ आर सेम सिंस दे हैव सेम इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी।
तो ध्यान से देखें यहाँ पे, अगर हम बात करें, अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं, किसपे मूव कर रहे हैं, अगर सपोज स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के अंडर एरिया जो होता है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। और अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, भले उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा हो बढ़ रहा हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, ए कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ए कितना डिस्टेंस चल रहा है, ये एरिया, ये वाला एरिया, ओके, ए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये वाला एरिया, ये पूरा इस ग्राफ के नीचे वाला, ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसके नीचे का एरिया, ओके, ये ए का डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा इन 10 सेकंड। अगर हम लोग बी के बात करें, बी कितना 10 सेकंड में चल रहा है, तो बी के लिए ग्राफ ये है, बी के लिए कौन सा एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया, ये। तो अब देख के बताएं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ग्राफ पार्टिकल ए बड़ा है या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल बी। ऑब्वियस सी बात है, ए का ग्राफ ये वाला है, ये वाला है ए का ग्राफ, ओके, तो ये पूरा एरिया ज्यादा होगा कंपेयर टू इसके नीचे का एरिया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इन 10 सेकंड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इन 10 सेकंड। अब एवरेज वेलोसिटी अगर हम लोग बात करें, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन टोटल जर्नी बाय टोटल टाइम। तो टाइम तो 10 सेकंड ही है दोनों के लिए, ए के लिए भी 10 सेकंड है, बी के लिए 10 सेकंड है, तो जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उसका एवरेज वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, ए का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, तो ए का एवरेज वेलोसिटी 10 सेकंड में क्या होगा, ज्यादा। तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ आर सेम, सेम हो नहीं सकता है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ आर सेम सिंस दे कवर इक्वल डिस्टेंस, ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस नहीं चल रहे हैं। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी सिंस ए कवर मोर डिस्टेंस इन 10 सेकंड, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके, एंड ऑप्शन डी रॉन्ग। तो हमारे इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। एनी डाउट, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बताएं। सिंपल वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ, एवरेज वेलोसिटी को कंपेयर करना है। तो हमको पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन द एंटायर जर्नी, जो जितने टाइम लिमिट में हमको निकालना है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ओके। सो अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो हम लोग ध्यान से देखें, 0 से 10 सेकंड के बीच ए का ग्राफ ये वाला है और बी का ग्राफ ये नीचे वाला, तो एरिया किसका ज्यादा होगा, वैसी बात है इस ग्राफ के अंदर एरिया ज्यादा होगा, इतना एरिया ज्यादा होगा, ओके, और बी के ग्राफ नीचे का एरिया कम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा होगा, ए का, उस ए का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ओके, सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चार स्टेटमेंट आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है, अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिंग वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट हो बट वेलोसिटी वेरी कर रहा हो, बिल्कुल करेक्ट बात है। आप लोग आगे एग्जांपल में देता हूं, आप लोग आगे सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, सर्कल में ऐसे ऐसे घूमता है विद कांस्टेंट स्पीड, ओके, बट अगर वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कंटिन्यूअसली जब पार्टिकल यहां पे होता है तो डायरेक्शन इधर की तरफ, जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो डायरेक्शन इधर की तरफ, जब पार्टिकल यहां होता तो डायरेक्शन इधर की तरफ, जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो डायरेक्शन इधर की तरफ। तो ध्यान से देखें, पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, बट जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है यहां से मॉड वी, वो क्या है, कांस्टेंट, यानी कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बिकॉज
वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वेक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई एक भी चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। वेलोसिटी क्या हो रहा है, यहाँ पे वेरी कर रहा है, और वेलोसिटी वेरी होने की वजह से इसमें एक्सीलरेशन आता है, जिसको हम लोग सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमको करेक्ट स्टेटमेंट नहीं आइडेंटिफाई करना है, हम लोगों को क्या आइडेंटिफाई करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन बी पढ़ते हैं, अगर बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग स्पीड, अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग स्पीड। अब बताएं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी मैं एज ए कांस्टेंट बोल रहा हूं, दैट मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, दो चीजें एक साथ, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और अगर मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट मींस मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। अब ऑप्शन बी को फिर से देख रहे, बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग स्पीड, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो स्पीड वेरी कैसे करेगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया दैट मींस मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो गया, मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हो सकता है। ओके, तो स्टेटमेंट टू हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एंड दैट इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज बी। ओके, हम लोग अदर स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन सी को देखें तो क्या कह रहा है, बॉडी कैन हैव एक्सीलरेशन विदाउट हैविंग वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। जब मान लो पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे है, तो उस पे एक्सीलरेशन लग रहा होता है, तभी उसकी वेलोसिटी फिर 0 से आगे की तरफ बढ़ती है। ओके, सो स्टेटमेंट सी क्या है, करेक्ट है। बॉडी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, अ बॉडी कैन हैव वेलोसिटी विदाउट हैविंग एक्सीलरेशन, ये भी करेक्ट है। मान लो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सीलरेशन 0 होगा, बट वेलोसिटी तो है उसके पास, तो हमको इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग स्पीड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ओके, सो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हम लोग को करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। ऐसे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ध्यान से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एक्सीलरेट एंड स्टिल हैव कांस्टेंट स्पीड। तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल दिया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, और यहाँ पे होता क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट रहता है बट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता रहता है। जब यहाँ पे होता है पार्टिकल तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ, जब यहाँ पे तो इधर की तरफ, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इधर की तरफ, जब यहाँ पे तो इधर की तरफ। तो ध्यान से देखें इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में स्पीड तो कांस्टेंट, बट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो पार्टिकल में क्या है, एक्सीलरेशन, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है अगर तो भी एक्सीलरेशन पार्टिकल में हो सकता है, और एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, हम लोगों को क्या आइडेंटिफाई करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ये एग्जांपल है, यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन लगता है, जिसको सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन कहते हैं इस पर्टिकुलर केस में। आगे हम लोग सर्कुलर मोशन में इसको पढ़ेंगे। आइए ऑप्शन बी देखते हैं क्या कह रहा है, इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एक्सीलरेट एंड स्टिल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, पॉसिबल हो सकता है, एक्सीलरेट कर रहा है पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ ही रहे हैं। मान लो कंटिन्यूअसली एक्सीलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो एक्सीलरेट करते रहेंगे सेम डायरेक्शन से स्ट्रेट लाइन में। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी ध्यान से देखें क्या रहा है, इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एक्सीलरेट एंड स्टिल हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है,
क्योंकि अगर पार्टिकल एक्सीलरेट कर रही है तो वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि तभी पार्टिकल में एक्सीलरेशन हो सकता है जब वेलोसिटी चेंज करे। ओके, सो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा। हमको इनकरेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना था, तो ऑप्शन सी क्या है हमारा, इनकरेक्ट। ओके, ऑप्शन डी की बात करें तो इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू हैव एक्सीलरेशन ए एंड स्टिल हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट इन ए टाइम इंटरवल, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा, इसमें इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए पार्टिकल ए से स्टार्ट करता है इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, ओके, और इधर की तरफ कुछ एक्सीलरेशन लग रहा था, तो पार्टिकल का वेलोसिटी कंटेंट इधर की तरफ है तो वेलोसिटी ऐसे जाएगा जाएगा, सर्टेन वॉक घटता रहेगा तो वेलोसिटी किसी पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, तो इधर की और एक्सीलरेशन इधर लग रहा है तो एक्सीलरेशन इधर की तरफ आएगा और जब यहां पे पहुंचेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट जीरो, बट पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, एक्सीलरेशन है पार्टिकल में। ओके, तो कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें से, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ओके, बाकी ए बी एंड डी आर करेक्ट। ओके, सो इसको नोट करें, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जंप करते हैं। ओके, सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करता है, पार्टिकल स्टार्ट्स विद सर्टेन वेलोसिटी बट द मोशन इज रिटार्डेड एंड फाइनली द पार्टिकल स्टॉप्स। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ पार्टिकल का कुछ इस टाइप का। ओके, तो ध्यान से देखें, आफ्टर सर्टेन टाइम ये वाई एक्सिस पे पोजीशन दिया गया, एक्स एक्सिस पे टाइम, तो आफ्टर सर्टेन टाइम दिस ग्राफ इज ऑलमोस्ट अप्रोक्स पैरेलल टू टाइम एक्सिस, दैट मींस अब टाइम तो बढ़ रहा है बट पोजीशन नहीं चेंज हो रहा, तो पार्टिकल रेस्ट पे आ गया, यानी कि आफ्टर सर्टेन टाइम पार्टिकल रेस्ट पे आ गया। अब देखना है कि एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो था या जीरो नहीं था, क्या था टी इज इक्वल टू जीरो पे। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप किसी भी पॉइंट पे हमको क्या देता है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो इस पॉइंट पे ग्राफ के अगर हम लोग स्लोप ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, तो कुछ ऐसा आएगा ऐसे इस पॉइंट पे। तो टेंजेंट देखें इज मेकिंग सर्टेन एंगल विद टाइम एक्सिस, दैट मींस यहां पे स्लोप जीरो नहीं है, तो स्लोप जीरो नहीं है तो वेलोसिटी क्या है, टी इज इक्वल टू जीरो पे जीरो नहीं है, पार्टिकल के पास सर्टेन वेलोसिटी है, दैट मींस पार्टिकल स्टार्ट्स विद सर्टेन वेलोसिटी। अब आगे की तरफ ध्यान से हम लोग इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे आएगा, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप कौन सा किसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है, फिर स्लोप घट गया, इस पॉइंट पे ड्रॉ करें अगर हम लोग टेंजेंट तो स्लोप और घट गया, और फाइनली स्लोप इस पॉइंट पे हम लोग स्लोप ड्रॉ करें तो ऐसा आ जाएगा, इसका कोई स्लोप नहीं है, स्लोप जीरो हो गया, तो फाइनली हो क्या रहा है, स्लोप पहले स्लोप घटते 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 क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ पे स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे सर्टेन वेलोसिटी, फिर जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ रहा है इसका स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, स्लोप घटने का मतलब वेलोसिटी घट रहा है, आफ्टर सर्टेन टाइम स्लोप जीरो हो जा रहा है, स्लोप जीरो होने का मतलब पार्टिकल किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर लोग ऑप्शन बी की बात करें, अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ही नहीं, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सर्टेन वेलोसिटी एंड आफ्टर सर्टेन टाइम वेलोसिटी जीरो, दैट मींस वेलोसिटी कंटीन्यूअसली डिक्रीज किया है। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट ऐसा बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रहा है यहाँ पे, जीरो हो जा रहा है, वो पार्टिकल रुक जा रहा है, तो पार्टिकल रुक जा रहा है तो मतलब एक्सीलरेशन उस पे नहीं लग रहा है, पार्टिकल रुक गया है ना कंटिन्यूअसली, ऐसा तो नहीं है कि वो वेलोसिटी जीरो होने के बाद उस पर एक्सीलरेशन लग रहा था और मूव करना स्टार्ट कर दिया, अगर एक्सीलरेशन लग रहा होता उस पर तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होने के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी की बात करें तो क्या, अगर ऑप्शन डी द पार्टिकल स्टार्ट्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी द मोशन इज द पार्टिकल स्टार्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी है ही नहीं, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नोट करें, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, सो मैं इसको मिटा रहा हूं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स ओके सो देखे क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है। एक ग्राफ दिया हुआ हम लोगों को, कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, टाइम एंड पोजीशन का, टाइम एंड पोजीशन का ऐसा ग्राफ दिया हुआ है ओके इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ है। ओ दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। हमको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी क्या, द वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, द वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। एंड सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एक्सीलरेशन फ्रॉम ओ टू ए, द बॉडी इज सब्जेक्टेड एक्सीलरेशन फ्रॉम ओ टू ए। एंड लास्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट ए इज जीरो, द वेलोसिटी of the body at A is zero। चार ऑप्शन दिए हुए, चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा, इस पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा जाएगा, और पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल आ जाएगा टाइम एक्सिस के। दैट मींस पॉइंट ए पे वेलोसिटी क्या है, जीरो। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट क्या देता है, वेलोसिटी। तो पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट कैसा आ जाएगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल, यानी कि स्लोप एट पॉइंट ए इज, स्लोप ऑफ ग्राफ एट पॉइंट ए इज जीरो। स्लोप जीरो का मतलब वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो एट पॉइंट ए वेलोसिटी जीरो, दैट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट ओके। अगर हम लोग ऑप्शन बी की बात करें तो वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्म, नहीं, ओ से लेकर ए तक वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। तभी ना ओ पे सर कुछ वेलोसिटी था, स्लोप देखिए यहाँ पे जीरो नहीं है, फिर जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ओ से ए तक ग्राफ ऐसा है ना, ऐसा है ना, इस पॉइंट पे स्लोप कैसा जाएगा, इस पॉइंट पे स्लोप ऐसा, अगर लोग इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करें तो ऐसा, इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ करें सॉरी, तो ऐसा, और ए पे ड्रॉ करें तो पैरेलल आ जा रहा है, स्लोप कंटिन्यूअसली घट रहा है। तो स्लोप कंटिन्यूअसली घटने का मतलब क्या, वेलोसिटी घट रहा है, तो कॉन्स्टेंट कहां से हुआ, ऑप्शन बी तो ऐसे सॉरी इंक्रीज कहां हो रहा है, तो ऑप्शन बी ऐसे नहीं करेक्ट होगा, ऑप्शन ए तो ऐसे इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी की बात करें क्या कह रहा है, द बॉडी इज सब्जेक्टेड एक्सीलरेशन फ्रॉम ओ टू ए, यहां से लेकर यहां तक कह रहा बॉडी एक्सीलरेट कर रही। तो अगर बॉडी एक्सीलरेट कर रही तो वेलोसिटी बढ़ता ना भाई, वेलोसिटी घटता क्यों, तो ओ से ए में बेसिकली रिटार्डेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी घट रही है। तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर ओ से लेकर ए तक एक्सीलरेट करता पार्टिकल, एक्सीलरेशन होता तो वेलोसिटी क्या होता, इंक्रीज करता, और पॉइंट ए जीरो नहीं होता ओके। बट यहाँ पे ओ से ए तक वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है कंटिन्यूअसली, इसका मतलब होता है कि पार्टिकल में रिटार्डेशन है, और पार्टिकल में रिटार्डेशन हो रहा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा ओके। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओके। सो क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या कह रहा है, द बीटी ग्राफ ऑफ लीनियर मोशन इज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकंड ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो एक एरिया तो यहां पे है, ये पूरा हो गया हमारा, दूसरा एरिया ये नीचे वाला हो गया, हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ ऑल एरिया। अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे होते तो क्या करते, नीचे वाले एरिया को सबट्रैक्ट करते, तो मान लेते ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है ओके। तो A1 plus A2, A1 क्या आ जाएगा, A1 अगर हम लोग ध्यान से देखें यहां तक, ये एरिया
ये पूरा एरिया, ये क्या है एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है बोलो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक पैरेलल साइड ये हो गया, दूसरा पैरेलल साइड ये हो गया। तो यहाँ से पूरा कितना है 4, इस साइड का लेंथ 4, इस साइड का लेंथ कितना आ जाएगा 3 - 1 = 2, 4 + 2 = 2। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड कितना दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ सॉरी, और ये कितना दिया हुआ 2, तो ये कितना है 4 + ओके। अब हम लोगों को ये एरिया निकालना था, ये भी एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक पैरेलल साइड ये है 4, ये वाला, ये पूरा कितना आ जाएगा 8 - 4 = 4 + ये वाला साइड, ये वाला कितना आ जाएगा 7 - 5 = 2 * डिस्टेंस हाइट बिटवीन टू पैरेलल साइड कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो कितना आ जाएगा यहां से 2 2, तो कितना आ जाएगा 4 + 2 = 6 + 2 = 12 + 6 कितना जाएगा 18 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 18 मीटर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 4 ग्राफ दिया हुआ है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल है 1D मोशन में, हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। ए में क्या हो रहा है, पहले वेलोसिटी घट रहा है, फिर टी पे मैक्सिमम, फिर असर बढ़ रहा है, फिर घटना स्टार्ट करता है, पॉसिबल है। ऑप्शन सी में ध्यान देखें तो t = 0 पे सर्टेन वेलोसिटी से स्टार्ट होता है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, पॉसिबल है। बी में भी क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर हम लोग सॉरी बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में हम लोग एक ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें एक टाइम टी, तो एक टाइम टी पे पार्टिकल का 2 वेलोसिटी दिखा रहा है यहाँ पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। हम लोग एक ही टाइम की बात करें v1 and v2, एक टाइम की बात करें एक टाइम पे, तो पार्टिकल का कितना वेलोसिटी पॉसिबल है 2 वेलोसिटी, ये v1 और v2, मतलब 5 सेकंड पे पार्टिकल के पास 2 वेलोसिटी है v1 और v2। क्या पॉसिबल है ये चीज, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। एक ही टाइम पे 2 वेलोसिटी कोई पार्टिकल कैसे पहुंच कर सकता है, हैं कैसे रख सकता है अपने पास, एक ही टाइम पे 2 वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पे पार्टिकल एक ही जगह हो सकता है ना, जैसे तुम हो, तुम्हारी बॉडी एक टाइम पे एक ही जगह हो सकती है, या तो घर पे या तो स्कूल पे। ऐसा थोड़ा है कि तुम घर पे भी हो स्कूल पे भी, आधी बॉडी काट के स्कूल पे पहुंचा दी, आधी बॉडी घर पे पहुंचा, तुम जिंदा ही नहीं रहोगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो एक ही टाइम पे 2 वेलोसिटी दिखा रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। सो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ओके आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी ग्राफ का ही क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ओके क्वेश्चन नंबर 9 में 4 ग्राफ दिए हुए हैं। पहला ग्राफ क्या कह रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके पहला ग्राफ ऐसा कुछ दिया हुआ है, फिर बी दिया हुआ है ऐसा कुछ दिया हुआ है टाइम टी बी, एंड फोर्थ थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है टाइम टी वेलोसिटी बी, ऐसा फिर ऐसा और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी ऐसा दिया हुआ है ऐसा टाइम वेलोसिटी। ओके सो इसमें से कह रहा है कि द फॉलोइंग फिगर शोज सम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बट ओनली सम ऑफ दीज कैन बी रियलाइज इन प्रैक्टिस, कौन कौन से प्रैक्टिस में रियलाइज कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है एंड डी करेक्ट, यानी कि ए बी एंड डी आर प्रैक्टिकली पॉसिबल। सी क्यों नहीं पॉसिबल है, अगर हम लोग सी की बात करें तो ग्राफ में ध्यान दें कि यहां तक तो ठीक है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है। फिर अगर हम लोग यहां पे बात करें, इस पर्टिकुलर टाइम टी की बात करें, टी वन की बात करें, तो ध्यान दें टाइम कॉन्स्टेंट है बट वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, टाइम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्स्टेंट है बट वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। कैसे पॉसिबल है कि टाइम कॉन्स्टेंट रहे वेलोसिटी बढ़ने लगे, एक ही टाइम पे, यानी कि 5 सेकंड पे वेलोसिटी टाइम रुक गया वेलोसिटी बढ़ रहा है, कैसा पॉसिबल है, नहीं। सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, बाकी ए बी डी पॉसिबल है,
वेलोसिटी बढ़ रहा है घट रहा है, यहाँ पे भी घट बढ़ रहा है, यहाँ पे भी घट रहा है बढ़ रहा है। सो ऑप्शन ग्राफ ए बी एंड डी आर पॉसिबल बट ग्राफ सी इज नॉट पॉसिबल। ओके तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन ए इज ओनली ए बी एंड डी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। ओके तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। बॉडी कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड रिमेनिंग हाफ विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी बताना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मान लेते हैं कोई डिस्टेंस है डी, इतना है डिस्टेंस है डी ए से लेकर यहां से लेकर यहां, इसका आधा कोई पार्टिकल कवर कर रहा है कितने स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड से, यानी कि d by 2 डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से एंड नेक्स्ट d by 2 यानी कि हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। तो हमको क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्टेंस यहां पे कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है बोलो? d। मान लेते हैं पहला हाफ कवर करने में टाइम t1 लगता है, टाइम t1 इक्वल टू क्या जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? d by 2, हाफ स्पीड कितने जा रहा है? 10 से, तो d by 20। नेक्स्ट हाफ मान लेते हैं यहां से यहां पहुंचने में इसको t2 टाइम लगता है, तो कितना डिस्टेंस चल रहा है? d by 2, कितना स्पीड से? 15 से, तो कितना आ जाएगा? d by 30 सेकेंड। सो अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है, क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है यहां पे? यहां से आते टोटल डिस्टेंस कितना है? डी। टोटल टाइम कितना? डी बाई 20 प्लस डी बाई 30। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहां से? 12 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो 12 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है यहां से? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके ओके सो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? अ ड्रंकार्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड एंड सो ऑन। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्ड 1 सेकेंड टू कवर। हाउ लॉन्ग द ड्रंकार्ड टेक्स टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। मान लेते यहां से ड्रंकार्ड स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, यहां पे कोई पिट है, गड्ढा है बी पे मान लेते हैं, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बच्चा? 13 मीटर। ओके ड्रंकार्ड क्या करता है? 5 कदम आगे की तरफ चलता है और 3 कदम पीछे की तरफ आ जाता है। एक बार में 5 कदम आगे गया, 3 कदम पीछे आ गया। ओके तो इसको हम लोग सबसे पहले ड्राइंग करते हैं। ओके देखें 5 स्टेप वो आगे गया मान लेते यहां तक, फिर 3 स्टेप पीछे आ गया, तो कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है? ये यहां से यहां तक के पूरा 5 मीटर, यहां से यहां तक कितना गया वो? 5 मीटर, और ये कितना आया? 2 मीटर पीछे की तरफ आ गया। 5 मीटर आगे गया, 2 मीटर पीछे आ गया, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना? सॉरी 3 मीटर पीछे आ गया, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट पार्ट यहां पर ड्रंकार्ड खड़ा होगा, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना बचेगा? 2 मीटर। अच्छा एक कदम चलने में 1 मीटर का है वो, और कितना सेकंड लेता है? 1 सेकंड। तो ध्यान दे कि यहां से 5 कदम चला, यहां से लेकर यहां तक 5 कदम चला, तो अभी ध्यान से देखिए 5 कदम चला कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। फिर 3 सेकंड वापस आ गया, 3 कदम वापस आएगा 3 सेकंड में, तो टोटल टाइम कितना आ गया? 8 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 मीटर। ओके तो अब ध्यान से देखें 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट टेक्स कितना? 8 सेकंड। सो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम लेगा? 8 बाय 2 इज इक्वल टू 4 सेकंड। कितना टाइम लेगा? 4 सेकंड। ओके अब ध्यान से देखें, मान लेते हैं पार्टिकल यानी कि 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल डंकार्ड को आगे की तरफ बढ़ने में कितना लग रहा? 4 सेकंड लग रहा है एवरेज। ओके तो अब ध्यान से देखें, जब
ड्रंकार्ड 8 मीटर चल चुका होगा, यहां पे होगा मान लेते यहां पे, और कितना डिस्टेंस 8 मीटर। तो ये 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उसे? 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट में 4 सेकंड लग रहा है, तो 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट में कितना लगेगा उसे बोलो? 8 × 4 = 32 सेकंड। अब ध्यान से देखें, ड्रंकार्ड यहां पे खड़ा है, 32 सेकंड टाइम हो चुका है। अब वो क्या करेगा? फिर से 5 कदम जैसे ही आगे जाएगा तो 4 एक ये डिस्टेंस कितना बचेगा? 5 मीटर बचेगा, और वो 5 मीटर 5 स्टेप फॉरवर्ड जाता है। 5 स्टेप का मतलब एक स्टेप 1 मीटर का है, तो 5 स्टेप का मतलब 5 मीटर, तो 5 मीटर फॉरवर्ड जाता, 3 मीटर वापस आ जाता। तो अभी ध्यान से देखें, सी पे है यानी कि पिट से 5 मीटर डिस्टेंस पे, तो पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, पांचवा कदम जैसे वो रखेगा, यानी कि पांचवा कदम जैसे रखेगा तो गड्ढे में गिर चुका होगा। ओके, तो ये 5 कदम एक्स्ट्रा चलने में कितना टाइम लगेगा? एक्स्ट्रा 5 सेकंड लगेगा, तो 32 सेकंड यहां तक पहुंचने में, गड्ढे में गिरने में 5 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना जाएगा बोलो? 32 + 5 = 37 सेकंड। एनी डाउट? मैं फिर से समझाता हूं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक ड्रंकार्ड 5 मीटर आगे की तरफ चलता है, 3 मीटर पीछे आ जाता है, तो 13 मीटर आगे गड्ढा है, उस गड्ढे में गिरने में कितना टाइम लगेगा उसको, ये हम लोगों को निकालना है। तो ध्यान से कि यहां से यहां का डिस्टेंस 13 मीटर, 5 कदम इधर गया, 2 पीछे, 3 पीछे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक बार में उसका? 2 मीटर का हुआ। अब 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट होने में कितना टाइम लग रहा है उसको? 8 सेकंड लग रहा है, तो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होने में 4 सेकंड। तो अभी ध्यान से लेकर यहां तक, यहां से उसे मान ले 8 मीटर है डिस्टेंस, तो ये 5 मीटर है, तो ये 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट होने में कितना टाइम लगेगा? ये 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट होने में कितना टाइम लगेगा? 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड में, तो 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम में? 32 सेकंड में आ जाएगा। अब यहां पे खड़ा है ये डिस्टेंस 5 मीटर, तो 5 कदम जैसे आगे बढ़ाएगा, 5वें कदम में गड्ढे में गिर चुका होगा, तो अनदर 5 सेकंड ऐड करना होगा यहां पे, तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको यहां से गड्ढे तक पहुंचने में? 37 सेकंड। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v अलोंग अ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF इन सेम ऑर्डर A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, F to A, देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर इट्स मोशन फ्रॉम A टू C। सबसे पहले रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं, मान लेते हैं ये साइड कितना है A, ये साइड भी कितना होगा A, कितने स्पीड से चल रहा है? V स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, तो A से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। B से C पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, करा A से C जब पहुंचेगा तो एवरेज वेलोसिटी बताना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? ये पूरा डिस्प्लेसमेंट होगा जब A से C पे पहुंचेगा, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब ये डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो क्या करेंगे? ये साइड बराबर है, तो यहां से हम लोग परपेंडिकुलर डाल देंगे इस पे, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये मान लिया अगर x है तो ये भी x आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट AC इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2x प्रॉपर्टी से। अभी ध्यान से देखें, ये पूरा एंगल कितना होता है? 120, और ये दोनों साइड बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ये भी एंगल कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन कितना होता है? 180 डिग्री। अब ये एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना है? 120। हेक्सागन की प्रॉपर्टी से भी को पता होना चाहिए 120। ओके, सो इन दोनों का समेशन कितना आएगा? 60 डिग्री। तो ये 30 हो जाएगा, दोनों इक्वल, ये भी 30 हो जाएगा। तो हम लोग x निकालने के लिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा? a cos 30, यानी कि सो AC कितना आ जाएगा? 2x, यानी कि 2a cos 30।
cos 30 का वैल्यू कितना होता है root 3 by 2, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट root 3 है। सो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट AC by टोटल टाइम T1 plus T2, डिस्प्लेसमेंट AC कितना है root 3 है, T1 कितना है बोलो A by B plus A by B, ये कितना आ जाएगा root 3 A by 2 A by B, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, B ऊपर चला जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी कितना जाएगा रूट थ्री वी बाई टू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके जल्दी से नोट करें, फिर मैं इसको मिटाता हूं, जिनका नहीं हुआ है जिनका हो गया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट करें, हम लोग आगे। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या कह दे रहा है कांस्टेंट, वेलोसिटी है कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट में होने का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो गया और डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गया, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होगा। अब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। एंड ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द। तो अभी ध्यान से देखें, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब पार्टिकल बिल्कुल बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए कांस्टेंट स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, तो कंटीन्यूअसली ऐसे विद सेम स्पीड बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए जा रहा है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड के बराबर होगा, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से कंटीन्यूअसली मूव कर रहा है, तो यहां से यहां तक क्या होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल भी होगा सेम टाइम में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर है। फिर क्या कह रहा है, वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, तो यहां से यहां तक ध्यान से वेलोसिटी भी कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, अगर हम लोग डायरेक्शन लें और एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो भी कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड ही आएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ए बी सी तीनों करेक्ट है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ ऑल ऑफ द अबव, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड दैट इज ऑल ऑफ द अबव। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ओके क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 इज गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 गुड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिकल इज कंफाइंड टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग वॉल्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू ए, दो रिफ्लेक्टिंग वॉल ये एक्स इज इक्वल टू 0 पे है, दूसरा एक्स इज इक्वल टू ए पे, ये एक वॉल दूसरा वॉल, ओके ये दो वॉल है, क्या कह रहा है, पार्टिकल इज कंफाइंड टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग वॉल्स एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू ए, बिटवीन दीज टू लिमिट इट मूव्स फ्रीली एट कांस्टेंट वेलोसिटी v, इफ द वॉल्स आर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग देन इट्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। यहां से पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से इसे मूव करते हुए जाता है, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके फिर इधर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करके आता है, फिर यहां पहुंचने के बाद फिर रिफ्लेक्ट होके
इधर की तरफ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करते जाता है, ऐसे ऐसे मूव करता रहता है। ओके, यहाँ से यहाँ तक x इक्वल टू कितना है a। तो ध्यान से देखें, अगर हम लोग बात करें यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा पार्टिकल को, डिस्टेंस कितना है a, वेलोसिटी कितना मान लेते हैं v, तो a by v। यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, a upon v। हमको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बनाना है, क्या बनाना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो ये टाइम, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट s। तो मैं लिमिट बना ले रहा हूं यहां पे, टाइम कितना लग रहा है यहां तक पहुंचने के लिए, यहां ले लेता हूं मैं a upon v। ओके, सो ये टाइम हो गया हमारा कितना, t इज इक्वल टू a upon v। फिर t इज इक्वल टू 2a upon v। फिर t इज इक्वल टू 3a upon v। ओके, चलो अब लोग ग्राफ में, यहां से यहां तक यानी कि x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 8 तक मूव करने में कितना कांस्टेंट वेलोसिटी से वो जा रहा है, यानी कि यहां से सपोज v स्पीड से मूव करता है वो, यहां से v स्पीड से मूव करता है तो ये v स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हुए ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। ओके, यानी यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी है अगर, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहे हैं तो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। एक चीज तो कंफर्म है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा हमारा, स्ट्रेट लाइन। और ध्यान से, जैसे जैसे यहां से बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ेगा स्ट्रेट लाइन के साथ। ओके, अब ध्यान से देखें, जब यहां से t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, यहां पे पहुंचा जब ये यहां पे पहुंचा तो कितना टाइम हो गया था, यहां से यहां पहुंचने में टाइम a अपॉन v, तो कितना टाइम हो गया था, a अपॉन v। अब इसके बाद यहां से अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट घटना स्टार्ट करेगा, और जब यह वापस यहां पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, यानी कि 2a अपॉन v बाय टाइम। यहां से यहां तक जाने का टाइम a अपॉन v, यहां से यहां वापस आने का टाइम a अपॉन v। तो जब यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, वापस यहां पहुंचेगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा, और स्पीड यहां से यहां तक आने का कांस्टेंट है वेलोसिटी, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर की तरफ बढ़ेगा, तो फिर ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ओके, तो ये ग्राफ मैच करा ले, कौन सा ग्राफ दे रहा है, ऑफ ग्राफ ए इज करेक्ट, कौन सा ग्राफ, ग्राफ ए इज करेक्ट। बी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कैसा दे दिया है, कर्व दे दिया है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। सी वाला भी नहीं हो सकता है एंड डी भी नहीं हो सकता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए। एनी डाउट, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पैराग्राफ बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट रोड, द वेलोसिटी ऑफ द कार वेरीज विद टाइम एज शोन इन द फिगर। इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 द कार वाज एट x इज इक्वल टू 0 where x is the position of the car at any time. So 15 number question here, the variation of acceleration a with time. Velocity time graph दिया हुआ है, उसको acceleration time में convert करना है। तो ध्यान से देखें, time, velocity, graph बनाना पड़ेगा। 0 से 10 सेकंड तक बढ़ रहा है, टेन जीरो, इसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर अप टू 20 सेकंड, सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट कहां तक, 20 सेकंड तक, उसके बाद फिर बढ़ रहा है, बढ़ा 30 सेकंड के तक के लिए, 30 सेकेंड तक बढ़ा,
ओके। उसके बाद 30 सेकंड के बाद वो घटना स्टार्ट किया, घटते घटते ये हो गया यहाँ पे 50 सेकंड पे जीरो हो रहा है, 50 सेकंड पे जीरो हो रहा है एंड देन आफ्टर 60 सेकंड, ओके सॉरी 60 सेकंड बाद ये फिर व्यतिक्रम करना स्टार्ट किया, 70 पे आकर जीरो हो गया। ओके, तो इसका हम लोगों को क्या बनाना है, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखें एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, टाइम एक्सीलरेशन टाइम को कैसे डिवाइड कर लेता हूं। ओके, इन सभी टाइम को चलो अब ड्रॉ करते हैं। देखें 0 से 10 सेकंड में स्लोप कितना कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है यानी कि बॉडी एक्सीलरेट कर रही है, एक्सीलरेशन क्या है पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, कितना आएगा मतलब एक्सीलरेशन यहां पे निकाले स्लोप कितना आएगा, ये कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, हाँ 4, ये हमारा दिया हुआ 4 और 8, ये कितना दिया हुआ है 8 और ये भी कितना दिया हुआ है -4। तो अगर हम लोग बात करें तो ये यहां से यहां तक 0 से 10 सेकंड में पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, तो एक्सीलरेट कर रहा है तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन क्या होता है स्लोप, इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, हम ध्यान से देखें ये थीटा तो स्लोप कितना आ जाएगा, दिस बाय दिस ये कितना 4/10 यानी 1/2/5 और कांस्टेंट है तो हमारा कितना आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा हमारा कांस्टेंट। ओके, उसके बाद ध्यान से देखें यहां से यहां तक क्या रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन जीरो आ जाएगा, तो नेक्स्ट 10 से 20 सेकंड तक एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो यानी ग्राफ ऐसे आ जाएगा। फिर यहां से यहां तक ध्यान से देखें तो यहां पे स्लोप क्या आ जाएगा इसका, अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे थीटा तो कितना आएगा, दिस बाय दिस ये कितना है 8-4 4, ये कितना है 10 4/10, फिर स्लोप सेम आ जाएगा तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी है तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा। फिर यहां से ध्यान से देखें वेलोसिटी घटना स्टार्ट कर रहा है, वेलोसिटी घट के 50 सेकंड पे क्या हो गया जीरो, उसके बाद पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर, दैट मींस फ्रॉम 30 टू 60 सेकंड एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, फ्रॉम 30 टू 60 सेकंड एक्सीलरेशन इज नेगेटिव और कितना है कैसे निकालेंगे, दिस इज 8, ये थीटा कैसे निकालेंगे नेगेटिव साइड में है, सो दिस साइड बाय दिस साइड कितना आ जाएगा 8/20 यानी कि 4/10, सेम तरीके से तो कहां तक नेगेटिव है, इस पॉइंट के बाद 30 सेकंड के बाद क्या हो जा रहा है नेगेटिव, कहां तक 50 सेकंड 60 सेकंड तक, तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा अप टू 60 सेकंड के लिए। उसके बाद ध्यान से देखें 60 सेकंड पे फिर से पार्टिकल इधर की तरफ पॉजिटिव एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो जा रहा है, ऊपर इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहा है, स्लोप जो है पॉजिटिव हो जा रहा है तो यानी कि पार्टिकल फिर से एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर रहा है बट वेलोसिटी घट रही है, घट यहां से घटते घटते बढ़ रही है, यहां से ऐसे करते हो जीरो है। ओके, घटने बढ़ने मतलब नेगेटिव साइन से यहां पे वेलोसिटी -4 है, फिर यहां पे जीरो हो जाएगी यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा। ओके, तो अब ध्यान से देखें तो यहां से यहां तक पार्टिकल क्या कर रहा है, फिर से एक्सीलरेट कर रहा है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, कितना आ जाएगा ये हम लोग निकालना है, तो कितना ये भाई ये कितना है, ये है 4 और ये कितना है 10, तो 4/10 तो अपन रखते आ जाएगा ऐसे। अब ध्यान से देखें ये 0, 10, 20, 30, 60, 70, तो मैं इस तरह कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, कौन सा ग्राफ करेक्ट है ऑप्शन डी, कौन सा ग्राफ ऑप्शन डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे।
क्वेश्चन नंबर 16 का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्या बनाना हम लोगों को, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके सो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बनाना हम लोगों को, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी कि ये जो ग्राफ दिया इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम में कन्वर्ट करना। ध्यान से देखें, यहां से यहां तक वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी, क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी। तो यानी कि 0 से 10 सेकंड तक हम जो ग्राफ बनाएंगे इंक्रीजिंग स्लोप का होगा, कैसा होगा, पैराबोला, कैसा होगा, तो कैसा आएगा इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ, कैसा आता है ऐसा 10 सेकंड। इसके बाद यहां से यहां तक क्या हो जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन, उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। ओके क्या कर देंगे हम लोग उसको, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करो। ओके सो 10 से 20 सेकंड बाद वेलोसिटी कांस्टेंट, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करो, तो इसको ऐसे ऐसे। ओके ये स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद फिर ध्यान देखें 20 से 30 सेकंड में फिर से वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब कन्वर्ट करते हैं तो कैसा नेचर का ग्राफ आता है, इंक्रीजिंग स्लोप का, तो इंक्रीजिंग स्लोप में ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा ऐसा। ओके कर्व, उसके बाद ये भी एक कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन, ये कर्व। उसके बाद ध्यान से देखें यहां के बाद वेलोसिटी कंटिन्यूअसली घट रहा है, 50 सेकंड तक वेलोसिटी घट रहा है, यहां के बाद 30 सेकंड के बाद अप टू 50 सेकंड वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब स्लोप कैसा बनेगा बच्चा लोग, डिक्रीजिंग। और 50 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें 50 सेकंड क्या होगा, हमारा स्लोप जीरो हो जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, तो हमारा ग्राफ कैसा आ जाएगा, कुछ ऐसा, ये डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है बच्चा लोग, ये डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है। तो 50 सेकंड पे क्या आ जाएगा, जीरो। उसके बाद देखें 50 से 60 सेकंड के बीच क्या हो रहा है, पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया, तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप का ग्राफ कैसा आ जाएगा, ऐसा ऐसा बोलो। उसके बाद ध्यान से देखें यहां के बाद यहां क्या हो रहा है, वेलोसिटी फिर से बढ़ना स्टार्ट कर दे रहा है, क्या हो रहा है, सॉरी वेलोसिटी नेगेटिव ही है, बट यहाँ के बाद क्या हो रहा है, ऐसे यहाँ इस पॉइंट पे कितना एट 60 सेकंड -4 मतलब इधर जा रहा है और एक्सीलरेशन इधर लग रहा है, तो जब यहाँ पहुंचेगा तो वेलोसिटी घटते घटते क्या उधर से जीरो हो जा रहा है, अब एक्सीलरेशन उधर लग रहा है, तो पार्टिकल किधर चलना स्टार्ट कर देगा, उधर की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा, तो हमारा ग्राफ कैसा आ जाएगा, ग्राफ कैसा आ जाएगा बच्चा लोग, अभी 70 सेकंड पे ग्राफ जल्दी से कन्वर्ट करना सभी को आना चाहिए, कोई डाउट है तो बताए। यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन, ये वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो इंक्रीजिंग स्लोप वाला कर्व आएगा, इंक्रीजिंग स्लोप वाला कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है, ये इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व है। फिर ध्यान से देखिए यहां तक, यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वहां से वहां तक अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वहां से वहां तक अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन आ गया। इसके बाद फिर से देखें वेलोसिटी बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व, उसके बाद ध्यान दें वेलोसिटी घट रहा है तो डिक्रीजिंग स्लोप का कर्व, और 50 सेकंड पे क्या हो जाए, जीरो हो जा रहा है, तो 50 सेकंड पे जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल टाइम एक्सिस के आना चाहिए, तो ग्राफ हमारा ऐसा आ जाएगा। उसके बाद यहां से यहां तक ध्यान से देखिए फिर से वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, स्लोप नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव स्लोप का कर्व कैसा आएगा, ऐसा यहां पे भी नेगेटिव स्लोप का कर्व आना चाहिए, तो और इस पॉइंट पे क्या हो जाना चाहिए, वेलोसिटी जीरो, तो हमारा ग्राफ कैसा आ जाएगा, ऐसा। ओके आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, ये था क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे,
नोट कर लिया होगा इसको, जिन्होंने नोट नहीं किया स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें इसी में, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कह रहा है, ग्राफ मैंने मिटा दिया सॉरी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कह रहा है तो ग्राफ फिर से बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखें, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोला ये ऐसा ग्राफ है, ऐसे फिर ऐसे इसके बाद ऐसे फिर ऐसे गया हुआ, सॉरी दिस 4 दिस इज 8 दिस इज 10 20 30 50 60 70 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो ध्यान से देखिए, स्ट्रेट लाइन की पार्टिकल जा रहा है ए से, तो ये जा रहा पहले क्या हो रहा है, ध्यान देखें अगर हम लोग ध्यान दें 0 से 10 सेकंड ये यहां से स्टार्ट कर रहा है, 10 सेकंड तक वेलोसिटी बढ़ा, यहां से 10 सेकंड मान लो वेलोसिटी बढ़ा, फिर वेलोसिटी घट, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, बस चलिए मैं जा रहा हूं। ओके, तो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है बेसिकली, तो बेसिकली ध्यान से देखें डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर का डिस्प्लेस ऊपर का एरिया, ये पूरा एरिया और ये एरिया नेगेटिव में है, तो जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं करेंगे, दिस एरिया माइनस दिस एरिया, आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ध्यान से देखें, 0 से लेकर 50 सेकंड तक, अप टू फ्रॉम 0 टू 50 सेकंड पार्टिकल का वेलोसिटी घट बढ़ रहा है, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन से जा रहा है ऐसे। After यहां से 0 सेकंड, यहां से 50 सेकंड, 50 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी 0 हो रहा है, ओके 50 सेकंड बाद 0 हो रहा है, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो रहा है इधर की तरफ। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे ऐसे, 0 से 50 सेकंड का बीच का एरिया, तो 0 से 50 सेकंड के बीच का एरिया ये है, ये एरिया निकाल सकते हैं हम लोग, बहुत इजी है, ये एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा एरिया कैसे, सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ये ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, हाफ 10 into 4, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे इस वाले का प्लस, तो कितना आ जाएगा 10 into 4, फिर प्लस ये इतना जो ट्रेपेजियम बन रहा है इसका एरिया निकालेंगे, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये 4 और ये 12 into इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 प्लस, अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस 20 हाइट 8, कितना आ जाएगा यहां से 2, ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 4, यहां से 10 इनटू 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80 कितना आ जाएगा, ये 200 मीटर, कितना आ जाएगा बच्चों 200 मीटर। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, 17 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, हमें नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 18 में ग्राफ दिया हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर 18 एक ग्राफ दिया हुआ है पार्टिकल के एक्सीलरेशन का, 0, 1, 2, 3 और 4 क्या कह रहा है, द एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, द एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवेन, द पार्टिकल हैज मैक्सिमम स्पीड। तो ध्यान से देखें, एट टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का एक्सीलरेशन इधर की तरफ है, इधर की तरफ है एक्सीलरेशन, इधर की तरफ और क्या दिया हुआ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ पर पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ, एक्सीलरेशन इधर की तरफ है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी भी इधर की तरफ आएगा ऐसे, इधर की तरफ ऐसे चलना स्टार्ट कर रहा है। अब ध्यान देखें, एक्सीलरेशन भी इधर की तरफ, वेलोसिटी भी इधर की तरफ, तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, बोलो वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल बढ़ेगा, तो कहां तक बढ़ेगा, ध्यान से देखें, एक्सीलरेशन अप टू 2 सेकंड नेगेटिव है,
तो एक्सीलरेशन इधर की तरफ, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ, तो दोनों बढ़ते जाएंगे 2 सेकंड पे क्या हो जाएगा, आफ्टर 2 सेकंड ध्यान से देखें, वेलोसिटी इधर की तरफ होगा और एक्सीलरेशन इधर की तरफ, एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो जा रहा है, आफ्टर 2 सेकंड वेलोसिटी इधर की तरफ होगा और एक्सीलरेशन इधर की तरफ, दैट मींस आफ्टर 2 सेकंड वेलोसिटी घटना स्टार्ट कर देगा, स्पीड घटना स्टार्ट कर देगा। तो कहां तक बढ़ा, 0 से 2 सेकंड तक बढ़ रहा है, उसके बाद घटना स्टार्ट कर दे रहा है, तो घटना स्टार्ट कर देगा और फाइनली 4 सेकंड पे क्या हो जा रहा है, जीरो, एक्सीलरेशन जीरो हो जा रहा है, सॉरी। तो कहां तक बढ़ रहा है, 0 से 2 सेकंड तक बढ़ रहा है, 2 सेकंड के बाद एक्सीलरेशन इधर की तरफ, क्योंकि एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो जा रहा है, वेलोसिटी यहां पे इस डायरेक्शन में थी, तो वेलोसिटी घटना स्टार्ट कर देगी, घटने का मतलब स्पीड घटना स्टार्ट कर देगा, तो मैक्सिमम कहां पे होगा, 2 सेकंड पे, यानी कि वेलोसिटी मैक्स, स्पीड मैक्सिमम कहां पे होगा, 2 सेकंड पे। कोई डाउट किसी को, ध्यान से देखें, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था पार्टिकल, यानी कि यहां पे स्पीड क्या है, 0, एक्सीलरेशन इधर की तरफ है, तो पार्टिकल इधर की तरफ स्पीड एक्वायर करेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। अब ध्यान से देखें, एक्सीलरेशन नेगेटिव है, कहां तक, टू अप टू 2 सेकंड, तो 2 सेकंड तक वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब स्पीड बढ़ेगा, तो 0 से 2 सेकंड तक वेलोसिटी स्पीड बढ़ा, उसके बाद एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो जा रहा है, दैट मींस अब एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में लगना स्टार्ट कर देगा, इधर की तरफ, नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब इधर की तरफ, पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब उधर की तरफ, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर की तरफ है, एक्सीलरेशन इधर की तरफ है, तो अब स्पीड क्या करेगा, घटना स्टार्ट कर देगा, तो मैक्सिमम कहां पे हो रहा है, 2 सेकंड पे हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में तुम लोगों पे छोड़ रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, दैट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 का, द पोजीशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम टी एट एक्स इक्वल टू 80² - bt, एक्स इज इक्वल टू 80² - bt³, x is equal to 80² - bt³, क्या बताना है, the acceleration at time t of the particle will be equal to 0 where t is equal to acceleration कब 0, तब एक बार differentiate करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, velocity, तो differentiate करें तो क्या जाएगा, 280 - 3 bt² acceleration निकालने के लिए इसको फिर differentiate करना पड़ेगा, dv/dt, तो क्या जाएगा ये 2a - 6 bt, acceleration 0 का मतलब 2a - 6 bt is equal to 0, तो टाइम कितना जाएगा यहां से, a/3, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। ओके, जल्दी से नोट करें, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, मिटाता हूं मैं इसको, क्वेश्चन नंबर 21 देखें क्या कह रहा है, पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एनी टाइम टी इज गिवन बाय s इज इक्वल टू t³ - 6t² + 3t + 4, डिस्प्लेसमेंट जो कैसे वेरी कर रहा है, s इज इक्वल टू t³ - 6t² + 3t + 4 मीटर। ओके, क्या कह रहा है, द वेलोसिटी व्हेन एक्सीलरेशन इज 0, हम लोगों को बताना है वेलोसिटी जब एक्सीलरेशन 0 होगा, तो वेलोसिटी v क्या जाएगा, ds/dt, वेलोसिटी v क्या आ जाएगा, ds/dt, इसको डिफरेंशिएट करें तो कितना आ जाएगा, 3t² - 12t + 3, ये वेलोसिटी का फंक्शन आ गया, यानी वेलोसिटी का फंक्शन क्या आ गया, 3t² - 12t + 3, हमको ये निकालना है वेलोसिटी जब एक्सीलरेशन 0 हो, देखते हैं एक्सीलरेशन कितने टाइम बाद 0 होगा, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, dv/dt इक्वल टू निकालेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करके कितना आ जाएगा, 6t - 12, तो एक्सीलरेशन 0 कब होगा, उसको 0 करने के लिए 6t - 12 = 0, सो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 सेकंड, यानी आफ्टर 2 सेकंड एक्सीलरेशन 0 होगा, सो वेलोसिटी का जो फंक्शन निकालना है हमने वहां पे क्या रख दें, t की जगह पर 2 रख दें, तो कितना आ जाएगा, t × 2² - 12 × 2 + 3, तो कितना जाएगा, 12 - 24 + 3,
तो कितना आ जाएगा 15 - 24 = -9 मीटर पर सेकंड। -9 मीटर पर सेकंड का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आंसर ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी। जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। डाले इसको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। कार मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हूज इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय s = 12t प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब। ये दिया हुआ है, क्या कह रहा है, वेयर इज इन मीटर एंड टी इज इन सेकंड द वेलोसिटी ऑफ द कार एट स्टार्ट विल बी, यानी कि एट टी स्टार्ट स्टार्टिंग में वेलोसिटी बताना है कि टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी बताना है। तो सबसे पहले वेलोसिटी का फंक्शन निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी का फंक्शन कितना आ जाएगा, ds by dt मतलब 12 प्लस 6t माइनस 6t स्क्वायर। वेलोसिटी का फंक्शन हमको पता चल गया 12 प्लस 6t माइनस 6t स्क्वायर। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना होगा, t इज इक्वल टू 0 पे 12 प्लस 6 × 0 माइनस 6 × 0 कितना जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मिटा देता हूं इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम टी आर गिवन बाय, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा वो दिया हुआ है, 70 प्लस 4t स्क्वायर, और वाई कोऑर्डिनेट कैसे चेंज कर रहा है वो दिया हुआ है टाइम के साथ 5t। ओके, सो एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग चेंज करेंगे तो वेलोसिटी इन एक्स मिलेगा dx/dt कितना जाएगा 7 प्लस 8t, और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो dy/dt सो कितना आ जाएगा 5। एक्सीलरेशन निकालना है तो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना आ जाएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो dvx/dt कितना जाएगा 8। यहां से वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन निकालना है तो कितना आ जाएगा कांस्टेंट 0। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा हमारा एक्स डायरेक्शन में, कितना 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या आ जाएगा 0। हम तो सिर्फ एक्सीलरेशन पूछा है तो एक्सीलरेशन कितना जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। तो ये था तुम लोगों के काइनेमेटिक्स असाइनमेंट का सॉल्यूशन। वेक्टर असाइनमेंट जो टेस्ट हुआ था तुम लोगों का, उसका मैं असाइनमेंट अपलोड करूंगा। ओके, थैंक यू।